प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के लिहाज से प्रॉपर्टीज के डीसीएस और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होती है, तो इसके बारे में ये है कि जो डीसी रेट्स हैं ये सेक्शन 27A जो है स्टैंप एक्ट 1899 का पाकिस्तान में, उसके तहत हर जो जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो तय करता है प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के लिहाज से डीसी रेट्स, और वो जो डीसी रेट्स तय हो जाते हैं उनसे कम पर जो है वो किसी लिहाज से भी जो है वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो सकती। डीसी रेट से ज्यादा कितनी भी कोई शख्स जो है वो कीमत लिख ले वो उसको हक है, लेकिन डीसी रेट से नीचे कोई शख्स जो है वो नहीं आ सकता। डीसी रेट बनाने का मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के खराजात के लिहाज से कम जो रेट्स हैं उनका जो है वो तय कर दिया है। अब कोई शख्स जो है वो डीसी रेट से कम जो है वो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो नहीं करवा सकता। फिर ये जो डीसी रेट्स होते हैं ये रूरल प्रॉपर्टी की बाबत भी होते हैं, अर्बन प्रॉपर्टी की बाबत भी होते हैं, और जो कंटोनमेंट एरिया की प्रॉपर्टी होती है ये भी अर्बन प्रॉपर्टी में ही शामिल होती है। तो इसलिए जो अर्बन प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं उसमें कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी है वो भी शामिल कर दी जाती है। फिर इसके अलावा आगे जो है अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी जो है वो डीसी रेट्स जो है मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई रिहायशी प्लाट है कमर्शियल प्लाट है तो उसके भी जो डीसी रेट्स हैं वो मौजूद होते हैं, और साथ जो बिल्डिंग है उसके भी जो है डीसी रेट्स मौजूद होते हैं। बिल्डिंग का ये होता है कि तय जमीन का जो डीसी रेट है वो अलहदा निकलता है, और जो बिल्डिंग के ऊपर मलबा होता है उसके भी जो है वो डीसी रेट जो है मौजूद होते हैं। तो ये जो डीसी रेट होते हैं इससे कम जो है कोई शख्स जो है वो रजिस्ट्री जो है वो तस्दीक जो है वो नहीं करवा सकता। और इस वक्त जो पंजाब है वहां पर जो रजिस्ट्रियां हैं वो ऑनलाइन होती हैं, और जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका जो चलान बनता है जब कोई शख्स जो है वो रजिस्ट्री करवाने लगता है तो ऑनलाइन चलान जब वो जनरेट करने लगता है तो वो बेशक उसकी में जो प्रॉपर्टी है जितनी भी काम लिख दें डीसी रेट से उसका जो चलान है वो डीसी रेट के हिसाब से ही जो है वो जनरेट होता है, उससे जो है वो कम जनरेट नहीं होता। इसलिए जो लाजमी चीज है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो हर सूरत जो है वो डीसी रेट के मुताबिक ही जो है वो नहीं होती है, और डीसी रेट वो होते हैं जो किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो पूरे जिले के लिए जो है वो हर इलाके की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए जो है वो जारी करता है तो वो डीसी रेट होते हैं। फिर इसके बाद जो अगली चीज है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रियां हैं इन पर जो है वो एफबीआर जो है वो भी एडवांस इनकम टैक्स वसूल करता है, और एफबीआर जो अपना टैक्स वसूल करता है वो खरीदार से भी वसूल करता है और जो प्रॉपर्टी फरोख कर रहा होता है उससे भी जो है वसूल करता है, यानी परचेजर और सेलर दोनों जो है वो एफबीआर को जो है वो टैक्सेस देते हैं, और इनके जो टैक्सेस होते हैं एफबीआर के ये जो इनकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू होती है ये उसके हिसाब से होते हैं। मसलन अगर कोई शख्स जो है प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो करवाने लगा है और वो रजिस्ट्री जो है वो डीसी रेट के हिसाब से करवा रहा है तो उस पर जो स्टैंप ड्यूटी है सूबाई गवर्नमेंट का या तहसील कौंसिल की जो फीस है वो तो डीसी रेट के हिसाब से ही हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो डीसी रेट से ज्यादा है तो फिर उसको एफबीआर को जो टैक्सेस देने पड़ेंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है कि जहां पर एफबीआर ने फेयर मार्केट वैल्यू को जो है वो तय नहीं किया हुआ, क्योंकि जो एफबीआर है इसने पूरे पाकिस्तान में फेयर मार्केट वैल्यू को तय नहीं किया हुआ, बल्कि कुछ जिले हैं वहां पर इसने फेयर मार्केट वैल्यू को तय किया हुआ है, खासकर जो शहरी इलाके हैं यानी जो अर्बन प्रॉपर्टीज हैं उनकी बाबत जो है वो एफबीआर ने फेयर मार्केट वैल्यू को तय किया हुआ है। लेकिन जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू जो है मौजूद नहीं है एफबीआर की जानब से तो वहां पर जो डीसी रेट होता है वही फिर फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी एफबीआर की। तो इसलिए जिस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद है उस पर तो एफबीआर जो है वो अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो टैक्स वसूल करता है, लेकिन जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू जो है मौजूद नहीं है वहां पर जो है एफबीआर जो है वो अपने टैक्सेस जो है वो डीसी रेट के हिसाब से जो है वसूल करता है। तो इस तरह जो डीसी रेट्स और फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के लिहाज से कम रेट है, कोई शख्स जो है अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है तो वो डीसी रेट से कम पर नहीं करवा सकता, और अगर किसी प्रॉपर्टी की जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद है तो फिर एफबीआर जो है उस फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है अपना टैक्स वसूल करता है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है मौजूद नहीं है तो फिर एफबीआर जो है जो डीसी रेट होता है उसी के हिसाब से जो है वो अपना टैक्स जो है वसूल कर लेता है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, वो चीज ये है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो डीसी रेट से कम हो, यानी जो एफबीआर ने मार्जिन का तय किया वो डीसी रेट से कम कर दिया तो फिर एफबीआर जो है वो डीसी रेट के हिसाब से जो है वो अपनी फीसें वसूल करता है। एफबीआर जो है वो ये नहीं कहता कि मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कम है मुझे उसके हिसाब से जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो दे दो, बल्कि एफबीआर कहता है अगर मेरी मालियत जो है वो कम है तो फिर आप मुझे जो है वो डीसी रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स दें। तो इस तरह डीसी रेट और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो रजिस्ट्री की जो है वो कम अज कम वैल्यू है, इससे कम पर जो है कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो तस्दीक नहीं करवा सकता।